यहाँ लोग लद्दाख में -10-15 डिग्री की ठंड में प्रोटेस्ट कर करके मर रहे हैं और ये हमारे सरकार के बिकाऊ मीडिया इसे किसी न्यूज चैनल पे नहीं दिखा रही और ना ही ये मोदी सरकार उनकी किसी भी मांग को सुनने के लिए तैयार है। और अगर आपको भी नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आप सब समझ जाओगे। शुरुआत में तो ये सब सही लग रहा था, लेकिन अब लद्दाख के लोग अपनी मांग लेकर -10-15 डिग्री की ठंड में सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उनकी मांग क्या है? तो पहला, लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा दिया जाए या जम्मू एंड कश्मीर की तरह उनका भी एक विधानसभा हो ताकि वो भी अपनी एक सरकार चुन सके। दूसरा, लद्दाख की लगभग 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है तो उन्हें शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग ट्राइबल स्टेटस दिया जाए ताकि वो अपने लैंड और कल्चर के लिए खुद का एक लॉ बना सके और उसकी रक्षा कर सके। तीसरा, वहाँ के लोकल्स के जॉब सिक्योरिटी के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाए, सेम जैसे JKPSC और BPSC है। और चौथा, सेंट्रल लेवल पर एटलीस्ट 2 MPs हो, क्योंकि अभी लद्दाख के लोकसभा में 1 सीट और राज्यसभा में 1 भी नहीं। और इन्हीं मांगों के साथ सोनम वांगचुक 21 दिन की भूख हड़ताल पे है और आज उनके भूख हड़ताल का आखिरी दिन है और अब तक सरकार उनकी बातों को मानना तो छोड़ो सुनने को भी तैयार नहीं। और बताओ कि सरकार इन्हें जान के इग्नोर कर रही है